हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वीवो T3S डिवाइस के अंदर जो गाइस फोटोज होते हैं उसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इस फोटोज को हाइड करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो सॉरी गाइस, हमको ओपन करना था फाइल ऑप्शन। तो गाइस सिंपली हम फाइल ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। फाइल ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेव फोल्डर है, उसको पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी पैटर्न मतलब जो भी पासवर्ड है, तो गाइस यहाँ पे आपने जो भी पैटर्न है मतलब जो भी लगाया हुआ है उसको हम यहाँ से खोलते हैं। तो सिंपली गाइस जैसे मैंने अपना पैटर्न खोल दिया, खोलने के बाद यहाँ से गाइस आपको कोई भी फोटोज मतलब यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो। तो सिंपली गाइस इमेज पे आते हैं। इमेज पे आने के बाद गाइस जैसे हमको कोई भी फोटो हाइड करनी है, जैसे कि हमको ये वाली फोटो हाइड करनी है, सिंपली इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन पे 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैसे आपको मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करना है। मूव टू सेव फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको इजीली यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन शो होगा। तो सिंपली इस पर हम अपना पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के लिए ये जगह वन फाइल मूवी मतलब कैसे आपकी जो एक फाइल थी मतलब जो आपकी एक फोटो थी जो वो आपकी सेव फोल्डर में जा चुकी है। जाने के बाद कैसे यहाँ पर आपको सेव फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के ड्रॉ पैटर्न का ऑप्शन है, इस पर हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद गाइस देखिए हमारी जो ऑप्शन मतलब गाइस जो फोटो थी वो हमारी सिंपली सेव फोल्डर में आ चुकी है। और ये चलो आपको इसे यहाँ से आपको इसे निकालना है तो सिंपली यहाँ पे आप टैप करके रखना है, यहाँ पे क्लिक करना है तो गाइस यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस मूव आउट टू सेव फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपकी वन फाइल मूवीड हो जाएगी और सिंपली वो आपकी स्क्रीन इमेज में फिर से आ जाएगी। तो इस तरीके से अपनी फोटोज़ को मतलब हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।